मेरी विदिता ने सही मायनों में एक सुहागन के सभी फर्ज निभाई थी, इसलिए आज सभी सुहागने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। पूजा शुरू कीजिए। आप सभी सुहागने अपने हथेली पर संकल्प का जल ले लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रवर निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्ये कुश सर्वदा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदावसंतं दयाल बिंदे वं भवानी सहितं नमामि। अब आप सब कोई अपना अपना जल अर्पित कर दें। हुकुम, पूजा के लिए अखंड ज्योत ले आइए। ठीक है पायल, तो मेरे साथ चलो। त्रिपाठी का फोन, अब इसे मॉम से क्या बात करनी है? विदिता की मौत के इतने दिन बाद इंस्पेक्टर त्रिपाठी का फोन आना, कि पायल और कबीर भी अभी मिले हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? शायद तुम्हें यही सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें इस पूजा का हिस्सा क्यों बनाया। पता है पायल, विदिता भी मुझे मंदिर में मिली थी। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, अचानक उसने मेरे हाथ से गिरती हुई ज्योति को संभाल लिया था और मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, जैसे उस दिन तुमने किया। उसी पल से तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता सा बन गया। सुनने में शायद तुम्हें अजीब सा लगे, पर आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे विदिता मेरे सामने हो। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूं आज तुम अपने हाथों से ये ज्योति लेकर चलो और विदिता के लिए रखी हुई पूजा संपन्न करो।